745 नए कोरोना संक्रमित मरीजों की पुष्टि हुई है। इसी के साथ प्रदेश में संक्रमितों का आंकड़ा 317,974 हो गया है। रायपुर जिले में 203, दुर्ग में 154, बिलासपुर में 50, राजनांदगांव में 33, सरगुजा में 43 वही कोरोना मरीज मिले हैं। सोमवार को 35 लोगों को ठीक होने के बाद अस्पताल से छुट्टी दे दी गई है। अब तक 309,979 मरीज कोरोना से ठीक हो चुके हैं। फिलहाल प्रदेश में सक्रिय मरीजों की संख्या 4,098 हो गई है। वहीं लगातार बढ़ते संक्रमण को देखते हुए शासन ने बड़ा फैसला लिया है, जिसके तहत 9वीं और 11वीं की परीक्षाएं अब ऑनलाइन होंगी। छात्र छात्राओं को मोबाइल पर प्रश्न पत्र भेजे जाएंगे। जिला शिक्षा अधिकारी ने इसके आदेश जारी किए हैं। तो छत्तीसगढ़ में कोरोना संक्रमण तेजी से पैर पसार रहा है। 24 घंटे के अंदर 645 नए कोरोना संक्रमित मरीजों की पुष्टि हुई है। इसी के साथ प्रदेश में संक्रमितों का आंकड़ा 317,974 हो गया है। इधर स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने एक वीडियो जारी किया है, जिसमें उन्होंने अपने स्वस्थ होने की जानकारी देते हुए प्रदेश में बढ़ते संक्रमण पर चिंता जताई। सिंहदेव ने कहा कि हमें बड़े आयोजनों में जाने से बचना चाहिए। वैक्सीन लगवाने वाले 6 हफ्तों तक सतर्क रहें। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि कोरोना मामलों को बढ़ने से रोकना हम सबकी जिम्मेदारी है। मैंने विधानसभा में जाने के पूर्व कोरोना टेस्ट कराया, एंटीजन पॉजिटिव आया, उसी समय आरटीपीसीआर का भी टेस्ट दिया, अगले दिन वो भी पॉजिटिव आया। मैं घर पे ही रहकर और जो एहतियात और इलाज थे, डॉक्टर साहब ने जो दवाइयाँ दी उन सबको ले रहा था। अभी आपकी सबकी दुआओं से, सद्भावना से, अपने घर के सबसे प्रिय जनों की भावनाओं के आधार पे स्वस्थ हूँ और आशा करता हूँ कि स्वस्थ रह सकूँगा और आप लोगों के लिए कार्य करता रह सकूँगा। बड़े ऐसे आयोजनों से हमको जरूर बचना चाहिए। अब समय फिर से आ गया है शारीरिक दूरी रखना, हाथ साफ रखना और मास्क पहनना। ये अब फिर से मैं आप सभी से आग्रह करूँगा कि मत, जरा भी मत इसमें ढील दीजिए। वैक्सीन लगाने के 6 हफ्ते बाद यानी 42 दिन बाद हमको पता चलता है कि किनमें, और अगर एंटीबॉडीज बन गए तो बने कि नहीं बने, तो उस समय के लिए भी वो सारे एहतियात हमको रखने हो। खबर पर अधिक जानकारी हम लेंगे, हमारे विशेष संवाददाता मोहन तिवारी हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। मोहन, छत्तीसगढ़ में धीरे धीरे कोरोना पैर पसार रहा है और अब स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने भी एक वीडियो संदेश के जरिए सावधानी बरतने के लिए कहा है, क्या जानकारी? बिल्कुल, देखिए चिंता की बात छत्तीसगढ़ के लिहाज से इसलिए है क्योंकि देश की जो प्रमुख राजधानी है उसमें भी राजधानी रायपुर का नाम शामिल हो गया है, जहां पर केसेस लगातार बढ़े हैं। टीएस सिंहदेव इस बात को लेकर चिंता जता रहे हैं कि हर 100 व्यक्ति में 2 व्यक्ति जो है वो छत्तीसगढ़ में कोरोना पॉजिटिव पाया जा रहा है, जो कि एक बार फिर से चिंता की बात बनी हुई है। सितंबर जैसे हालात तो नहीं है, लेकिन अगर रफ्तार यही रही तो चिंताजनक स्थिति बन सकती है, और इसीलिए उन्होंने, वो खुद कोरोना पॉजिटिव हैं और संदेश जारी कर इस बात को की हिदायत दी है कि बड़े आयोजन से बचना चाहिए। हम देख रहे हैं कि राजधानी रायपुर सहित कई जगहों पर बड़े आयोजन हो रहे हैं, लोगों की भीड़ इकट्ठा हो रही है। अब क्योंकि होली का समय आ रहा है, होली मिलन समारोह भी होंगे, तो ऐसे में अपनी ओर से लोगों को एहतियात बरतने की ज़रूरत है, ऐसे आयोजनों से बचने की ज़रूरत है, भीड़ भाड़ के इलाकों में जाने से बचने की ज़रूरत है। तो प्रशासन तो अपना काम कर रहा है, लेकिन जनप्रतिनिधियों की ओर से जो एक अपील आनी चाहिए, उस मामले में टीएस सिंहदेव पहले से ही सजग रहे हैं और उसी कड़ी में उन्होंने ये अपना संदेश जारी किया है, लोगों को चेताया है कि किस तरीके से ना केवल एहतियात बरतना है बल्कि लोगों को अवेयर भी करना है ताकि जो संक्रमण है वो ना फैले। खास तौर पर टीकाकरण के बाद, क्योंकि 7 दिन तक दोनों डोज लगने के बाद भी खतरा बना रहता है, इसलिए जब तक एंटीबॉडी टीकाकरण के बाद नहीं बन जाती तो ऐसे लोग भी अपने आप को बचा के रखें, भीड़ भाड़ के इलाकों में ना जाएं, क्योंकि टीकाकरण जब से हो रहा है तब से लोगों को ये एक दिमाग में ये बात बैठी है कि अब तो कोरोना ठीक हो सकता है या उससे बचाव हो सकता है, इसलिए भी लोग एहतियात नहीं बरत रहे हैं। तो उन सब बातों पर ध्यान दिलाते हुए टीएस सिंहदेव ने ये वीडियो जारी किया है। छत्तीसगढ़ के लिए चिंता की बात ये भी इसलिए भी है कि 4,000 से ज़्यादा एक्टिव केस छत्तीसगढ़ में अब तक दर्ज कर लिए गए हैं,
राजधानी रायपुर में 1100 से ज़्यादा केसेस दर्ज हैं, तो आप समझ सकते हैं कि चिंता की बात आने वाले दिनों में बन सकती है। इसीलिए प्रशासन अपनी ओर से जहां मुस्तैदी बरत रहा है, वहीं लोगों को जागरूक करने के जो प्रयास हैं वो भी हमें दिखाई दे रहे हैं, और इसी कड़ी में टीएस सिंहदेव ने ये संदेश जारी किया है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद मोहन इस पूरी जानकारी को हम तक पहुँचाने के लिए, और आप हमारे साथ बने रहिए, आपसे अन्य अपडेट्स भी हम लेते रहेंगे।